हेलो, वेलकम। लेग्यूम वेजिटेबल्स सब्जियों का ही एक प्रकार है, जिसके अंदर मटर और फली वाली सारी सब्जियां आती हैं। आज इन्हीं की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कंटेंट से कि हम क्या-क्या आज पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, अबाउट पीज एंड बीन्स, पॉपुलर कल्टीवार्स लेग्यूम ग्रुप्स के, सीड रेट, सोइंग टाइम और डिस्टेंसेस के बारे में, इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के बारे में। सभी तरह की लेग्यूम क्रॉप्स बिलोंग करती हैं फैमिली को लेग्यूमिनेसी, और इसे फैबेसी के नाम से भी जाना जाता है। सभी लेग्यूम्स नाइट्रोजन फिक्सिंग होती हैं और नोड्यूलेटिंग होती हैं, यानी कि इसके प्लांट्स के रूट्स में नोड्यूल्स बनते हैं। सपोज जैसे कि आपका ये प्लांट है, इस प्लांट के ये जो रूट्स हैं, यहाँ पर आपको जो है वो आउटग्रोथ्स दिखाई देंगी रूट में, जिनको नोड्यूल्स कहा जाता है। और इसी इन्हीं नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम के एक बैक्टीरियम के एसोसिएशन से, राइजोबियम एक बैक्टीरियम है जिसके एसोसिएशन की मदद से ये प्लांट्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसीलिए जिस किसी भी फील्ड में ये लेग्यूम्स क्रॉप लगाई जाती हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन का कंटेंट सॉइल में इम्प्रूव हो जाता है। और यही वजह है कि लेग्यूम क्रॉप्स को एक ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे सॉइल में आपका ऑर्गेनिकली नाइट्रोजन आप इन्हांस कर सकते हो। मेनली चार तरह की बीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इनको लार्जली ग्रो किया जाता है इंडिया में और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में। वो हैं पीज, फ्रेंच बीन, काउपी और क्लस्टर बीन। इनके अलावा भी और भी बीन्स हैं जिनको खाया जाता है, और वो जगह जगह पर ग्रो की जाती हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में या किचन गार्डन्स में या कई विलेजेस में। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो पहले जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसे शुरू करते हैं हम पीज से। बोटानिकली इट इज नोन एज पाइसम सटाइवम। गार्डन पी हैज वाइट फ्लावर्स, और एक होती है आपकी फील्ड पी। गार्डन पी वो पी है जिसका सब्जियों में यूज किया जाता है, और फील्ड पी जो होती है उसको दाल की तरह यूज किया जाता है। इसको पल्स पी भी बोलते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि जो पल्स पी है उसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, और जो आपका गार्डन पी है उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। इन गार्डन पी हैज हाई शुगर कंटेंट देन फील्ड पी। अगर आप इसे खाएंगे तो खा के आपको पता लगेगा कि गार्डन पी ज्यादा स्वीट होती है एज कंपेयर टू फील्ड पी। देन इस मटर के अंदर आपका हाई डाइजेस्टिबल प्रोटीन होता है। नॉट ओनली इन पीज बट इन ऑल द बीन्स आपका प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन पीज में आपके जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं वो कम होते हैं, तो इसका जो प्रोटीन है वो ज्यादा अवेलेबल होता है एज कंपेयर टू अदर बीन्स। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस में रिच होती है, और इसका जो यूज है सब्जियों के अलावा, इसको एज फ्रोजन मटेरियल यूज किया जाता है, देन कैनिंग इसकी की जाती है, डिहाइड्रेटेड पीज जो है इससे बनाई जाती है, तो प्रोसेसिंग में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। स्नैप पीज और स्नो पीज, ये आपकी एक तरह की पीज की ऐसे कल्टीवार हैं जिनको एडिबल पॉटेड पीज भी बोलते हैं, यानी कि मटर हम आमतौर पे कैसे खाते हैं, फली को छीलते हैं, इसमें से दाने निकालते हैं और फिर उसकी सब्जी बनाते हैं, उसे कैसे भी कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये जो स्नैप पीज और स्नो पीज होती हैं, इनको फली के साथ ही खाया जाता है बिना छीले, और इनकी फली में फाइबर कम होता है और ये ज़्यादा स्वीट होती है, तो इसलिए ये एडिबल होती है। होल पॉड जो है इसका पूरा एडिबल होता है। अब आ जाते हैं फ्रेंच बीन्स पे। फ्रेंच बीन्स जिनको नॉर्मली बीन्स भी कहा जाता है, तो जितने भी चाइनीज आइटम्स होते हैं आपके फूड के, उसमें आप जो बीन देखते हैं वो बीन आपकी है फ्रेंच बीन। बोटानिकली इट इज नोन एज पेजियोलस वल्गैरिस। और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड इंडोनेशिया। चाइना रैंक्स इन फर्स्ट इन फ्रेंच बीन प्रोडक्शन, एंड इंडोनेशिया रैंक्स सेकेंड, एंड इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड।
इट इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स टेंडर वेजिटेबल, यानी कि जो फली है उसके लिए इसको कल्टिवेट किया जाता है लार्जली, और उसको पकने के बाद में जो है इसको एक ड्राई बीन्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। जब फली जो है पूरी राइप हो जाती है, सूख जाती है, उसके बाद में उसके जो सीड्स हैं उनको निकाला जाता है, और उसके सीड को जो है वो राजमा भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारी बहुत एक फेवरेट दाल होती है राजमा, तो वो भी आपकी फ्रेंच बीन्स से ही निकाली जाती है। तो ऐसी डुअल पर्पज़ वैरायटी होती हैं जो कि टेंडर होने पर एज वेजिटेबल काम में लाई जाती हैं और राइप होने पर एज बीन काम में लाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम काउपी की। काउपी बोटानिकली इज नोन एज विग्ना कंक्यूकुलाटा, और ये जो है आपकी और दूसरे नामों से भी जानी जाती है, जैसे कि आपकी सदर्न पी, ब्लैक आइड पी या यार्ड लॉन्ग बीन। टेंडर पॉड्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स एंड ड्राई बीन्स एज पल्स, बिल्कुल मटर की ही तरह। द काउपी हैज ऑफन बीन रेफर टू एज पुअर मीट मेंस प्रोटीन्स, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, और ये जो है वो चीपली अवेलेबल है, दूसरी दालों से काफ़ी सस्ते दामों पर ये उपलब्ध होती है, तो इसीलिए पुअर मैंस मीट कहा जाता है। जितना प्रोटीन मीट में होता है उतना उतना और उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा डाइजेस्टिबल फॉर्म में जो प्रोटीन है वो काउपी में अवेलेबल होता है। अब आ जाते हैं हम क्लस्टर बीन पे। क्लस्टर बीन इज नोन एज साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। इसमें एक तरह का एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है जो कि इसके बीज में पाया जाता है, तो उसके सीड को सुखा कर उसका आटा बना लिया जाता है पीस के, और इससे ग्वार गम निकाला जाता है जिसको गैलेक्टोमेनन भी कहते हैं, और ग्वार गम की नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, और इसको जो है लार्जली एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और इसका जो आपका MSP होता है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत ज़्यादा है इस ग्वार गम की वजह से। एक समय ऐसा भी आया था जब इंडिया में बासमती से भी ज़्यादा जो प्राइस है वो क्लस्टर बीन से निकले हुए इस ग्वार गम का चला गया था, तो उस समय किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ था, और उसके बाद से क्लस्टर बीन का कल्टिवेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका जो ये ग्वार गम है इसका इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल्स में, पेपर, कॉस्मेटिक और ऑयल इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में। वेराइटीज किसी भी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई क्रॉप पूरे इंडिया में ग्रो हो रही है तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो हो रही होगी, और हर क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए एक सूटेबल वेराइटी की ज़रूरत है। और फॉर्चून की बात यह है कि वेजिटेबल्स में एम्पल अमाउंट ऑफ वेराइटीज़ जो है वो अवेलेबल है जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सूटेबल होती हैं। जैसे हम पीस की बात करें तो पीस में तीन तरह की वेराइटी पाई जाती हैं, अर्ली वेराइटी, मेन सीजन वेराइटी और एडिबल पॉड वेराइटीज़। वो कौन सी हैं आइए देखते हैं। अर्गल बाहर से इंट्रोड्यूस वेराइटी है यानी दूसरी कंट्री से। पूसा प्रगति, जितनी भी आपकी पूसा वाली वेराइटी है दे आर फ्रॉम IARI, ये याद रखने की बात है। एंड देन आज़ाद P3, पंत सब्जी मटर, जो पंत वाली वेराइटीज़ हैं दे आर फ्रॉम GB पंत यूनिवर्सिटी, GBPUANT। और आपकी VL अगेती, VL जो है वो विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान केंद्र अल्मोड़ा उत्तराखंड से जो है वो रिलीज वेराइटीज़ हैं। देन विवेक मटर, आप 10 काशी नंदनी, काशी जो आपकी काशी वाली वेराइटीज़ हैं दे आर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, एंड देन काशी उदय, एंड देन पालम त्रिलोकी। मेन सीजन वेराइटीज़ जो हैं वो हैं बोनविले जो है, और लिंकन है, या आपकी USA से इंट्रोड्यूस वेराइटीज़ हैं, आज़ाद P1, पंजाब 89, पालम प्रिया, दीज पालम वेराइटीज़ आर फ्रॉम CSK, पालम पालमपुर यूनिवर्सिटी, देन विवेक मटर 6, अर्का अजीत। एडिबल पॉड वेराइटीज़ जैसा कि आपने हमने स्नो पी और स्नैप पीज में देखा कि पूरी की पूरी पॉड जो है एडिबल होती है, वो है आपकी सिल्विया, पंजाब मीठी फली और अर्का संपूर्णा। नाम से ही पता लग रहा है सिल्विया मीठापन जो है उसके लिए मीठी फली मीठेपन को प्रदर्शित करती है, अर्का संपूर्णा यानी कि पूरी की पूरी पॉड जो है एडिबल है। अब बात करते हैं फ्रेंच बीन्स की। तो फ्रेंच बीन्स में भी दो तरह की वेराइटीज अवेलेबल है, एक ग्वाफ टाइप की और एक पोल टाइप की। पोल वाली टाइप की वेराइटीज ट्रेलिंग होती हैं, जिनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है ट्रेल करने के लिए, ग्वाफ वालों को जरूरत नहीं होती। इसमें इंपॉर्टेंट वेराइटी है कंटेंडर, VL बोनी, पूसा पार्वती, अर्का कोमल, पंत अनुपमा और अर्का सुविधा, अर्का अनु, फुले सुरेखा, काशी परम और पूसा हिमलता।
पोल टाइप वेराइटीज में है केंटुकी वंडर, लक्ष्मी, KKL1। काओपी में भी आपकी जो वेराइटीज हैं वो अवेलेबल हैं, अर्का गरिमा, अर्का सुमन, अर्का समृद्धि, पूसा कोमल, पूसा फाल्गुनी, और पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, पूसा ऋतुराज और विजयंती। इसके अलावा भाग्यलक्ष्मी, वरुण, विधान भारती 1, विधान भारती 2 और IHR 16, जो कि एक हाइब्रिड है अर्का गरिमा और पूसा कोमल का, ये भी इसकी ही एक कल्टीवार है। क्लस्टर बीन में पूसा दो मौसमी, सदाबहार, नवबहार। सदाबहार जो है नाम शो करता है कि ये फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी है, यानी कि आउट ऑफ सीजन इसको जो है लगाया जा सकता है। और इसमें दो तरह के आपको कैरेक्टर्स दिखाई दे सकते हैं कि एक आपके जो सॉफ्ट पॉड वाली हैं जिनके ऊपर कोई हेयर्स नहीं होते, और एक जिनके ऊपर जो है वो हेयर्स होते हैं। मोस्टली फॉडर टाइप में जो यूज होने वाली आपकी क्लस्टर बीन है उस पर इस तरह के कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आ जाइए बात करते हैं सॉइल पीएच क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की। तो ये सभी जो है सभी तरह की पीस आपकी सभी तरह की सॉइल में हो सकती हैं। वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। हालांकि जो क्लस्टर बीन है कंपैरेटिवली वो ज़्यादा हार्डी और ड्रॉट टॉलरेंट है। और ये जो आपकी जितनी भी बीन्स हैं, अगर पीस को हम छोड़ दें और फ्रेंच बीन्स को तो ये आपकी जो है वो फ्रॉस्ट को और ज़्यादा लो टेम्परेचर को जो है बाकी टॉलरेट नहीं कर सकती हैं। कंपैरेटिवली पीस जो है वो सर्दियों में क्योंकि उगाई जाती है तो कूल सीजन क्रॉप के नाम से ये जानी जाती है। फ्रेंच बीन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती है। Although it is a warm season crop, और इसको फरवरी के टाइम पर अगर लगाया जाए तो जब तक टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं हो जाता उससे पहले इसको जो है हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम काओपी की। काओपी भी एक वार्म सीजन क्रॉप है और ये कंपैरेटिवली पीज और फ्रेंच बीन्स से ज़्यादा हार्डी भी है।
पीस की अर्ली वेराइटीज की स्पेसिंग 30x5 सेंटीमीटर, यानी कि 30 आपकी रो टू रो और आपका 5 सेंटीमीटर जो है वो प्लांट टू प्लांट। मेन वेराइटीज 45 से 60 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट के डिस्टेंस पे लगाई जाती हैं। फ्रेंच बीन में बुश टाइप के लिए डिस्टेंस जो होती है वो है 45x15 सेंटीमीटर। वहीं पोल टाइप में रो टू रो की स्पेसिंग ज्यादा है और प्लांट टू प्लांट की सेम। काउपी में जो बुशी और सेमी ट्रेलिंग टाइप्स हैं उसमें रो टू रो 30x45 एंड 15x13 प्लांट टू प्लांट सेंटीमीटर। एंड देन ट्रेलिंग टाइप में 2 मीटर की डिस्टेंसेस में रखी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बुशी वंस। डुअल पर्पस भी जो है वो बुशी टाइप वेराइटीज की तरह ही स्पेस रखी जाती है। क्लस्टर बीन की जो स्पेसिंग है वो 45x60 सेंटीमीटर रो टू रो और 15 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट। और ये सभी तरह की जो पीज एंड बीन्स हैं उनको राइजोबियम से ट्रीट किया जाता है बिफोर सोइंग। इस तरह की इनोकुलेशन से जो नाइट्रोजन फिक्सिंग और न्यूट्रिलेशन है वो काफी इम्प्रूव होता है। FYM और NPK जो है वो आपका FYM की यूजुअल जो आपका अमाउंट है वो लगभग 20 से 25 टन पर हेक्टेयर के आसपास होता है। और NPK की बात करें अगर, तो आप देख रहे हैं कि दूसरे क्रॉप्स के कंपैरिजन में यहाँ पर जो नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो कम है, यानी कि 20 किलो से 50 किलो, 30 किलो से 50 किलो, 20 किलो, 50 किलो। जो और दूसरी जगह पे आप देखिए दूसरे क्रॉप्स में ये अमाउंट जो आपको 120 किलो के आसपास मिलता है। और फॉस्फोरस की भी जो है यहाँ पर कंपैरेटिवली अमाउंट कम है और आपकी पोटाश की जो अमाउंट है वो भी कंपैरेटिवली कम है। वो इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से आपका इसमें नेचुरली नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको आर्टिफिशियली नाइट्रोजन नहीं देनी पड़ती है। इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में वीडिंग, होइंग, अर्थिंग अप और इरिगेशन जैसी प्रैक्टिसेस आती हैं। काउपी में जो है वो एक प्रैक्टिस आपको इसलिए करनी पड़ती है अलग से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेलिंग टाइप आपके कल्टीवार्स होते हैं, तो ट्रेलिस आपको बनाना होगा, छप्पर जैसा बनाया जाता है, तो पोल्स का यूज करके और फिर इसको इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और यहाँ पर आपके प्लांट्स को इन पे फिर ट्रेल किया जाता है और जो फलियाँ हैं वो नीचे की तरफ वो हैंग करती हैं। हार्वेस्टिंग अलग अलग जो है फेज पे होती है। पीस की हार्वेस्टिंग के लिए जो है तब करना है जब आपकी पॉड्स फुली डेवलप हो, ग्रीन हो और टेंडर हो। अगर ज्यादा मेच्योर हो जाएंगी तो फिर वो जो है स्वीट नहीं रहती हैं। और इस मेच्योरिटी टेंडरनेस को मापने के लिए पेनिट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे टेंडरनेस को मेजर किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली बात है। वहीं आपकी जो फ्रेंच बीन है, फ्रेंच बीन्स जो है वो कब हार्वेस्ट होती हैं? एट द सेम टाइम पॉड्स जब आपकी मेच्योर है, टेंडर है और नॉन फाइब्रस है, और यूजुअली जो है वो 7 से 12 दिन आफ्टर फ्लावरिंग जो है ये रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। वहीं आपका जो काउपी है, काउपी भी अगेन अगर आप इसको वेजिटेबल की तरह यूज कर रहे हैं तो टेंडर फ्रूट्स इसको हार्वेस्ट करने हैं, और जब फाइबर ना हो तो, और अगर आपको सीड के लिए यानी पल्स पर्पस के लिए जो है हार्वेस्ट करना है तो आप पूरी राइप हो जाएगी और जब आपकी जो फली है सूख जाती है और स्प्लिट होने से पहले उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। वहीं आपका जो क्लस्टर बीन है, क्लस्टर बीन आपकी जो है वो हार्वेस्ट होती है 40 डेज जब है इसका सोइंग के बाद में कंप्लीट हो जाते हैं तब इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और टेंडर स्टेज पे ही इसकी पॉड्स को हार्वेस्ट किया जाता है। यील्ड वेरी कर सकती है वैरायटी के टाइप पर। अर्ली वाली वैरायटीज थोड़ी कम यील्डिंग होती हैं, मेन सीजन वैरायटीज ज़्यादा यील्डिंग होती हैं, और बुश टाइप ऑब्वियसली प्लांट उसका छोटा है तो इसलिए कम यील्ड देगी, और जो पोल टाइप है वो ज़्यादा यील्ड देगी। और इसी तरह से जैसे आपकी जो सेमी ट्रेलिंग वाली है यहाँ पर आप देख रहे हैं उनकी यील्ड 7 से 8 टन है काउपी में, बुश वालों की हालांकि 4 से 5 टन पर हेक्टेयर ही है। और काउपी की जो है सीड यील्ड भी होती है, क्योंकि अगर आप इसे पल्स पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो वो है आपकी 750 से 1500 किलो पर हेक्टेयर। और क्लस्टर बीन में आपकी जो फली की यील्ड है यानी कि जो आपकी पॉड यील्ड है वो है आपकी 5 to 8 टन, ये है आपकी पॉड यील्ड, और जो सीड यील्ड है वो है आपकी 0.6 to 1 टन पर हेक्टेयर।
अब इस तरह की बीन्स के अलावा और भी बीन्स होती हैं, जैसे आपकी हाइसेंट बीन है, पॉपुलरली नोन एज इंडियन बीन। इसको बोटेनिकली जानते हैं हम लवलव पुरपुरियस के नाम से, और ये इसको हिंदी में जो है सेम की फली कहा जाता है। इसकी वेराइटीज जो है इंपॉर्टेंट है अर्का जय, अर्का विजय, पूसा अर्ली प्रोलिफिक, पूसा सेम टू, पूसा सेम थ्री, कोंकण भूषण, रजनी, और दशरावल, और दीपावली, और JDL 79। इसमें भी दो टाइप होते हैं, पोल टाइप और बुश टाइप, और मोस्टली वेराइटीज जो है वो फोटो इनसेंसिटिव होती हैं, यानी कि जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है उसका इफेक्ट जो है इसकी फ्लावरिंग के ऊपर ना के बराबर होता है। देन सीड सोइंग यूजुअली जो है वो बरसात के टाइम पे की जाती है, जो कि है जुलाई अगस्त, जब मानसून ऑनसेट होती है। और इंडियन बीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया में है। इन सभी बीन्स के अलावा कुछ और बीन्स भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि है लीमा बीन, जिसको डबल बीन भी कहा जाता है, और बोटानिकली इट इज नोन एज पैजियोलस लुनेटस। क्रोमोसोम नंबर 22 डिप्लॉइड है, और इसकी पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं एक और तरह की बीन होती है ब्रॉड बीन, जिसको विसिया फाबा बोटेनिकली कहते हैं, और फाबा बीन या हॉर्स बीन के नाम से भी जानी जाती है, और इसको हिंदी में जो है वो बाखला बोलते हैं। तो बाखले की फली जो है इसकी सब्जी बनती है, और ये भी एक तरह की हार्डी बीन है, और ये आपकी जो है वो रेनी सीजन और जो कूल सीजन है उसमें लगाई जा सकती है। थैंक यू।